हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल रजनी वी फैशन। आज की इस वीडियो में हम पुरानी सलवार से पैंट प्लाजो बनाना सीखेंगे, तो बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी मैं आपको सलवार में से प्लाजो बनाने का, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने एक सलवार ले ली है और सलवार के जो बीच में ये प्लेट डली होती है, यहाँ से सिलाई को हटा के बेल्ट और सलवार को अलग कर लेना है। तो चलिए अलग करके मैं आपको फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमने सलवार को बेल्ट से अलग कर लिया है, सारी सिलाई को हटा के बिल्कुल अलग कर लिया है। एक साइड को हमने खोल के रखा है, एक साइड अभी हमारी ऐसी बंद पड़ी हुई है। अब हमें क्या करना है, बीच में जो आसन वाली सिलाई होती है, ये वाली सिलाई, इसको और हटा लेंगे हम, फिर दोनों साइडों को मिला के रखेंगे। तो चलिए सिलाई को हटा के दोनों साइडों को मिला के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमने सिलाई को भी हटा दिया है और दोनों साइडों को मिला के रख लिया है। अब लगाएंगे हम हिप साइज का निशान। तो हिप साइज का फोर्थ भाग लेके हम उसका निशान लगाएंगे। हमारा यहाँ पे हिप साइज का फोर्थ भाग है 11 इंच। 11 इंच पे निशान लगाने के बाद मैंने 3 इंच आगे की तरफ बढ़ा के निशान लगा लिया है। ये लूजिंग और मार्जिन के लिए लिया है। और जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने जो ये निशान लगाया, ये हमने पार्ट की तरफ से लगाया है, जो सलवार की जो पार्ट होती है उस साइड पर लगाया है हमने। अब यहाँ से लगा लेंगे आसन के लिए निशान। तो आसन की लंबाई मैं ले रही हूँ यहाँ पे 11 इंच। आप अपने हिसाब से आसन की लंबाई ले लीजिए। और फिर आसन की शेप डालने के लिए 3 इंच आगे की तरफ बढ़ा के निशान लगा लिया है। और अब यहाँ से आसन की शेप डाल लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ से शेप का निशान भी लगा लेंगे। अब नीचे से जितनी भी आपको मोहरी रखनी है उसका निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं रेडी मोहरी रखूँगी 8 इंच, तो यहाँ पर 9 इंच टोटल है। हम टोटल जितना भी है उतना ही ले लेंगे और यहाँ से शेप पट्टी से इस तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद निशान लगा के यहाँ पे देख लीजिए, इस तरीके से हमने फुल प्लाजो के निशान लगा लिए हैं। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कटिंग भी कर ली है। अब ये देखिए जी, ऊपर वाली साइड है, ये हमारे पार्ट थे, तो पार्ट यहाँ से बंद होते हैं, तो इन्हें आप खोल लेंगे, यहाँ से बीच से कट करके इन्हें ओपन कर लेंगे। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब तो ऊपर की साइड से यहाँ से कट करके फिर हम बैक आसन को बढ़ाएंगे, तो उसको भी बताऊँगी किस तरीके से बढ़ाना है। दोनों साइडों को कट करेंगे और बिल्कुल परफेक्ट प्लाजो बनके रेडी होता है। सलवार में से कोई दिक्कत नहीं आती है। लंबाई आपको जितनी रखनी है उस हिसाब से लंबाई ले लीजिए। मैं यहाँ पे लंबाई अपने प्लाजो की 36 इंच रखूँगी। अब जो हमारे नीचे की साइड बची है, पहुँचे वाली, मोहरी वाली, उसको यहाँ पे रखेंगे। तो एक साइड को रखा है, एक साइड अभी हमारी बची हुई साइड में रखी है। अब यहाँ से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से हमने मोहरी वाली साइड को रख लिया है और 2.5 इंच पर निशान लगा लिया है। और अब इस लाइन को यहाँ से 3 इंच तक सीधा रखेंगे। 3 इंच तक सीधा रखने के बाद यहाँ से हम तिरछा करके मिला लेंगे, तो ये हमारा बैक आसन बढ़ जाएगा, पीछे की साइड से 2.5 इंच बढ़ जाएगा। बाद में थोड़ा बहुत सिलाई में आ जाएगा, तो रेडी होके हमारा 2.5 इंच बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हमने ये 3 इंच लिया था, ताकि 2.5 इंच हमारा रेडी हो जाए। अब यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से शेप में लेते हुए इसकी कटिंग करनी है। और फिर नीचे इसका जो जॉइंट है उसको खोल लेंगे, दोनों कपड़ों को अलग अलग कर लेंगे। और जो हम लास्टिक डालेंगे उसके लिए मैंने अभी कपड़ा कट नहीं किया है और ना ही इसमें एक्स्ट्रा लिया है, अलग से कपड़ा जॉइंट करेंगे और तब लास्टिक को डालेंगे, तो उसके लिए हम बाद में कपड़ा कट कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया बैक आसन, इसको यहाँ पे बैक साइड में अटैच कर लेंगे। तो इससे हमारा बैक आसन 2.5 इंच 3 इंच बढ़ जाएगा। अब ये हमारा फ्रंट आसन है, तो इसको थोड़ा सा हम डाउन करते हैं। अगर आपका हैवी साइज है तो आप 1 इंच का निशान लगा लीजिए, आपका मीडियम साइज है तो 1/2 इंच पर निशान लगा लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 1/2 इंच पर निशान लगा के और इसको इस तरीके से हाफ तक मिलाना है, जहाँ पे हमारा हाफ साइज आ रहा है वहाँ तक मिला लेना है। तो इस तरीके से हल्की सी शेप लेते हुए इसको मिलाएंगे और इसकी अब कटिंग कर लेंगे। तो नीचे की दो साइडों को छोड़ के ऊपर की दो साइडों में हमें ये कटिंग करनी है फ्रंट साइड के लिए। ये होगी हमारी फ्रंट साइड। आप चाहो तो इस पर लिख सकते हो, जिससे कि आपको आइडिया रहे कौन सी हमारी फ्रंट साइड और कौन सी बैक साइड है। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइडों पर लिख दिया है, बैक एंड फ्रंट। तो अब जो ये कपड़े हैं इन्हें हम बैक साइड में जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे फुल प्लाजो की कटिंग अब बिल्कुल परफेक्ट कंप्लीट हो गई है। अब हमें सबसे पहले इन कपड़ों को बैक साइड में अटैच करना है। तो यहाँ से हम फ्रंट साइड को हटा लेंगे और बैक साइड में दोनों कपड़ों को अटैच कर लेंगे। चलिए अटैच करके मैं आपको फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने बैक साइड में इन कपड़ों को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे हमने एक साइड बैक साइड वाली ले ली है और ऊपर की साइड हम फ्रंट साइड को रख लेंगे एक को, और अब साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से एक बाजू को रेडी करेंगे, फिर इसी तरीके से दूसरी वाली बाजू को रेडी कर लेंगे। चलिए इस सिलाई को बिल्कुल नीचे तक मोहरी तक लगा लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने मोहरी तक इस सिलाई को लगा लिया है। अब हम मोहरी को रेडी करेंगे, तो उसके लिए हम कपड़ा कट करेंगे, क्योंकि लंबाई हमारी बिल्कुल फिक्स निकली है। 36 इंच का हमें प्लाजो बनाना है, तो बिल्कुल 36-37 इंच निकली है, जो कि 1 इंच हमारे मार्जिन में चला जाएगा। और मोहरी के लिए अब अलग से कपड़ा हम कट करेंगे। तो ये देखिए, जो दूसरी वाली हमारी मोहरी वाली साइड बची थी, एक में से तो हमने ऊपर की साइड कट कर ली है, और जो दूसरी वाली बची है उसमें से हम मोहरी के लिए कपड़ा कट कर लेंगे। तो जितनी चौड़ी मोहरी हमें यहाँ पे फोल्ड करनी है उसके हिसाब से कपड़ा कट कर लेंगे, और दोनों मोहरी के लिए एक साथ में ही कपड़ा कट कर लेंगे।
तो ये देखिए दोनों मोहरी के लिए हमने कपड़ा कट कर लिया। अब इसे बीच से अलग कर लेंगे। अब ये फोर परत में रखा हुआ कपड़ा बीच से अलग कर लेंगे तो अलग अलग हो जाएगा। दोनों मोहरी में अटैच कर लेंगे नीचे साइड से और फिर मोहरी को फोल्ड कर लेंगे। तो चलिए बताती हूँ किस तरीके से अटैच करना। मोहरी को फोल्ड के रखेंगे सीधी साइड से। तो ये देखिए पैंट को हमने सीधी साइड से रख लिया है और इसके ऊपर हमें एक पट्टी इस तरीके से रखनी है। इस पट्टी को हम खोल के यहाँ से इस तरीके से रख लेंगे और ऊपर से यहाँ से सिलाई लगा के इसको पलट के फोल्ड कर लेंगे। दोनों मोहरियों को इस तरीके से रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने मोहरी रेडी कर ली है। अब हमें क्या करना है, साइड वाली सिलाई को लगाना है, जो आसन की साइड वाली सिलाई होती है उसको लगाना है। तो चलिए यहाँ से इस सिलाई को लगा लेते हैं। तो मोहरी की तरफ से हम सिलाई को लगाना शुरू करेंगे और आसन तक इस सिलाई को यहाँ तक लगाएंगे। और जो हमारे ऊपर वाली साइड है, ये वाली साइड, इसको हम दोनों को बाद में अटैच करेंगे, पहले दोनों बाजुओं को नीचे से रेडी करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ दोनों साइडों की मोहरी को रेडी करके और आसन वाली सिलाई को लगा के। तो यहाँ पे हमने दोनों साइडों को सिलाई को लगा के आसन को भी जॉइंट कर लिया है। अब इसमें हमें नेफा अटैच करना है। उसके लिए हम बेल्ट को लेंगे और बेल्ट में से नेफा के लिए कपड़ा कट करेंगे। तो यहाँ पे पहले इस कपड़े को अलग कर लेंगे। अगर आपके में जॉइंट नहीं है तो आराम से ऐसे ही निकल जाएगा। मेरे में आगे छोटे छोटे जॉइंट थे तो मैंने पहले ही निकाल दिए हैं। और अब इस कपड़े को यहाँ से फोल्ड कर लेंगे और जितनी चौड़ी आपको इलास्टिक डालनी है उससे थोड़ा सा यहाँ पे आधे इंच कपड़ा एक्स्ट्रा कट कर लीजिए ताकि वो मार्जिन में चला जाए। अब यहाँ से इस कपड़े को हमने अलग कर लिया है क्योंकि दोनों साइडों में हमें लेना है। और यहाँ से एकसार कर लेंगे कपड़े को। तो दो कपड़े निकाल लिए हमने, इसको जॉइंट करना है और जॉइंट करने के बाद इससे हमें नेफा बनाना है। और इस पूरी पट्टी को बिल्कुल बराबर रखना है। मैं इसीलिए से नाप के देख रही थी और आगे से जो हमारी सिलाई वाला कपड़ा है थोड़ा वैसे आ रहा बेकार सा कपड़ा हो रहा हमारा, तो उसको आगे से कट करके एकसार कर लेंगे। अब इन दोनों कपड़ों को फोल्ड के रखेंगे और बीच से जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए एक बार यहाँ से नाप के भी देख लीजिए, अगर आपका कपड़ा कम पड़ रहा है तो और कपड़ा जो बचा हुआ है उसमें से अटैच करके पट्टी को पूरा कर लीजिए। अब इन दोनों कपड़ों को फोल्ड के रखेंगे और जॉइंट करके फिर हम नेफा बना लेंगे। नेफा में इसे अटैच करेंगे, उसके बाद इसमें इलास्टिक डाल लेंगे और इलास्टिक के बिल्कुल बीच से एक सिलाई लगा लेंगे और नेफा को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने नेफा फुल कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से कपड़े को अटैच करके इलास्टिक डाल के बीच से सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। अब आप देखिए इसका फाइनल लुक। यहाँ पे एक साइड में मैंने सलवार वाली पिक डाली हुई है और एक साइड में पैंट वाली, और प्लाजो वाली जो पिक है इसमें मैंने सूट की लंबाई भी थोड़ी बढ़ाई है, उसमें मैंने बॉर्डर बना लिया आगे की साइड। तो ये देखिए प्लाजो का फाइनल लुक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।